Hello everyone, in this video you will get to know how you can download and upload files from a remote site. आप remote site से कैसे files को download कर सकते हो या remote sites पे आप कैसे अपना data या files upload कर सकते हो, right? Remote site वो workstation है या computer है या website है जो आपसे physically बहुत दूर है, आपके system से physically बहुत दूर है, okay? तो हमारा first term है what is downloading? Downloading क्या होता है? In computer networks डाउनलोडिंग इज रिसीविंग अ फाइल और डेटा फ्रॉम द इंटरनेट और सर्वर. जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई फाइल डाउनलोड करते हो, रिसीव करते हो सर्वर कंप्यूटर से जो आपसे बहुत दूर है, राइट? आप किसकी हेल्प से करते हो? इंटरनेट की हेल्प से, राइट? आप कुछ डेटा अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर रहे हो, मान लो आप कुछ फॉर्म डाउनलोड कर रहे हो, तो वो क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है जब आप कुछ भी डेटा अपने सिस्टम पे वेब सर्वर से या फाइल सर्वर से अपने सिस्टम पे उसकी कॉपी ला रहे हो, ठीक है, उसको रिसीव कर रहे हो, तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है, राइट? अ सर्वर कैन बी एन एफटीपी सर्वर. तो सर्वर जो आपको डेटा प्रोवाइड करता है, जो कंप्यूटर, जो सिस्टम, उसे सर्वर कहते हैं, ओके? तो सर्वर क्या हो सकता है? एफटीपी सर्वर हो सकता है. एफटीपी सर्वर क्या होता है? विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द फाइल्स. वो सर्वर जो फाइल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. तो एफटीपी इज बेसिकली क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक्सचेंज ऑफ फाइल में हेल्प करता है, राइट? ओके, सर्वर आपका वेब सर्वर भी हो सकता है. वेब सर्वर से आप वेब डॉक्यूमेंट रिसीव करते हो, आप वेबसाइट्स रिसीव करते हो विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी प्रोटोकॉल, राइट? ओके, देन इट कैन बी योर सर्वर कैन बी ईमेल सर्वर. जो आपके ईमेल अकाउंट्स में जो मेल्स आते हैं वो किसकी हेल्प से आते हैं? ईमेल सर्वर की हेल्प से आते हैं. मतलब ईमेल सर्वर के अंदर इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, सेटअप होता है जो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ द मेल्स, राइट? फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनदर अकाउंट, फ्रॉम सर्वर टू योर अकाउंट, ओके? एंड जब आप सेंड करते हो फ्रॉम योर अकाउंट टू द डेस्टिनेशन अकाउंट, तो ये सारा और जो इन बिटवीन जो आपका डेटा स्टोर होगा, मेल स्टोर होगा, वो कहाँ पे स्टोर होता है? ईमेल सर्वर पर, राइट? और एनी अदर रिमोट सिस्टम, ओके? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सर्वर की बात हो रही है, जो सर्वर फाइल सर्वर भी हो सकता है, वेब सर्वर भी हो सकता है, ईमेल सर्वर भी हो सकता है, या कोई भी रिमोट सिस्टम, ठीक है? रिमोट सिस्टम क्या होता है? कोई भी वर्क स्टेशन या सर्वर, राइट? जो क्या है, आपसे फिजिकली दूर है बट वो आपके सिस्टम से, आपके डिवाइस से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, ओके? वो कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल, राइट? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके? Now when a user is copying or downloading any file from the server, जब कोई यूज़र कोई भी फाइल कॉपी करता है या डाउनलोड करता है सर्वर से, ओके, टू देयर सिस्टम, अपने सिस्टम पर और कंप्यूटर पर, इसको क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग, ओके? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आप सर्वर से उस डेटा को कॉपी करते हो, राइट? वो सिस्टम आप देखो, सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हो, मूवीज़ डाउनलोड करते हो, सॉन्ग्स डाउनलोड करते हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग. फॉर एग्जांपल, डाउनलोडिंग इमेजेस. जैसे आपने इमेज को अपने सिस्टम पे कॉपी किया, सॉन्ग्स को कॉपी किया, मूवीज़, फाइल्स एंड मोर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डाउनलोड, ओके? नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर डाउनलोडिंग. जो जब आप डाउनलोडिंग करते हो तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं? इट इज़ द प्रोसेस इन विच डेटा और फाइल्स आर कॉपीड फ्रॉम द सर्वर टू द कंप्यूटर. तो यहाँ पे आप डेटा या फाइल्स को कॉपी कर रहे हो सर्वर कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे. ऐसा नहीं है कि आपने अगर फाइल ले ली तो सर्वर कंप्यूटर पे अब वो फाइल है ही नहीं. नहीं, आप सिंपली कॉपी कर रहे हो, राइट? मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या करते हैं? सर्वर से डेटा लेते हैं, तो ये क्या होता है? कॉपीज वो रिसीव करते हैं, ओके? इन दिस प्रोसेस यूजर्स नीड मेमोरी एंड इंटरनेट सर्विस ऑन देयर डिवाइस. और डाउनलोडिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए? आपके सिस्टम पे मेमोरी होनी चाहिए, और ओके, जिससे जब भी आप जो भी फाइल रिसीव कर रहे हो वो वहाँ आपकी मेमोरी में जाके ऑक्यूपाई हो सके, राइट? एंड इंटरनेट सर्विस जो सबसे मेन है वो क्या है? इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, तभी आप वेब सर्वर से, एफटीपी सर्वर से, या किसी भी टाइप ऑफ सर्वर से या रिमोट सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से डेटा को डाउनलोड कर सकते हो. Now what is uploading? Uploading क्या है? When you send data or any file from your computer to the internet or server, it is known as uploading. जब आप अपना data या कोई भी file अपने computer से internet पर send करते हो, server पर send करते हो, तो इस process को uploading कहा जाता है, right? For example, uploading a picture. जब आप क्या करते हो, pictures upload करते हो, Google account पर आप picture upload करते हो, social media sites पर आप picture upload करते हो, video on social media platforms, आप social
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो शेयर करते हो लाइक फेसबुक, आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और मोर, तो यहाँ पे क्या आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप अपलोडिंग कर रहे हो अपना डेटा, आप एक रिमोट सर्वर पे जाके उसकी कॉपी बना रहे हो, राइट ओके वो आपके सिस्टम पे आपके डिवाइस पे भी रहेगी एज वेल एज वो सर्वर कंप्यूटर पे भी जाके सेव हो जाएगी, फाइन ओके। इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर अपलोडिंग, अपलोडिंग करते टाइम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, इट इज़ अ प्रोसेस डेट हेल्प्स कॉपी डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू द इंटरनेट। तो जब आप अपलोड करते हो डेटा को तो क्या होता है, सिंपली कॉपी जाके सेव होती है सर्वर कंप्यूटर पर, ऐसा नहीं है आपने डेटा अपलोड किया तो आपके सिस्टम से वो डिलीट हो जाएगा, नो ओके। जैसे डाउनलोडिंग होता है सर्वर से डेटा की कॉपी आती है आपके पास, वैसे ही अपलोडिंग होता है आपकी आपके डेटा की कॉपी कहाँ जाके सेव होती है, सर्वर के पास, ओके। हियर आल्सो द यूज़र नीड्स प्रॉपर इंटरनेट सर्विस, और अपलोडिंग करने के लिए आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए एंड मेमरी टू प्रोसीड फर्दर, राइट, और मेमरी भी होनी चाहिए, ओके। इन दिस प्रोसेस डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम द कस्टमर्स मशीन टू द सर्वर, तो इस प्रोसेस के अंदर डेटा ट्रेवल करता है कस्टमर की मशीन से, कस्टमर की डिवाइस से सर्वर के पास, राइट ओके। आपके डिवाइस से आपका डेटा कहाँ जाके सेव होता है, सर्वर के पास, आपके डेटा की कॉपी, राइट ओके। अब देखेंगे डिफरेंस क्या है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग में, ओके। डाउनलोडिंग इज द मेथड ऑफ रिसीविंग फाइल्स और डेटा फ्रॉम द सर्वर टू द सिस्टम। डाउनलोडिंग क्या प्रोसेस है, जहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है, आप डेटा को रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम सर्वर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर, सर्वर के कंप्यूटर से डेटा की जो भी डेटा आप रिसीव करें उसकी कॉपी आपके पास आ जाएगी, आपके सिस्टम में जाके सेव हो जाएगी। अपलोडिंग क्या है, अपलोडिंग इज अ मेथड फॉर रिसीविंग डेटा फाइल फ्रॉम द मशीन टू द इंटरनेट। अपलोडिंग प्रोसेस में क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर रिसीव करता है यूज़र का डेटा, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका डाउनलोडिंग, हियर मेमरी इज नीडेड इन द यूजर्स डिवाइस। अगर आप डाउनलोड कर रहे हो किसी भी फाइल को तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड मेमोरी होनी चाहिए आपके डिवाइस में, ओके। अपलोडिंग के केस में क्या है, मेमोरी इज नीडेड इन द वेब सर्वर, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा की कॉपी सर्वर के पास भेज रहे हो, राइट तो सर्वर कंप्यूटर के पास रिक्वायर्ड मेमोरी होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है आपका, द डाउनलोड स्पीड इज हाई एज कम्पेयर टू द अपलोडिंग स्पीड। जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जब आप किसी भी फाइल को अपलोड करते हो, राइट। द अपलोड स्पीड इज लो एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ डाउनलोडिंग, तो अपलोड स्पीड कम होती है एंड डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती है, ओके। अब डाउनलोडिंग में, इन दिस प्रोसेस डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम द सर्वर टू द कस्टमर डिवाइस। डाउनलोडिंग की प्रोसेस में डेटा ट्रेवल्स करता है, डेटा ट्रेवल करता है फ्रॉम सर्वर टू द कस्टमर डिवाइस, यूज़र के कंप्यूटर में, ठीक है। कहाँ से डेटा आता है, सर्वर से यूज़र के पास, ओके। और अपलोडिंग के केस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम द यूज़र्स डिवाइस टू द इंटरनेट। डेटा कहाँ से कहाँ जाता है, यूज़र के डिवाइस से इंटरनेट पर जाता है, राइट ओके एवरीवन। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।